गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में लेसन एट पढ़ रहे थे, तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं अपना लेसन एट। लेसन एट, एट स्कूल। एट स्कूल पढ़ रहे थे, स्कूल पर। यहाँ पर हमने महात्मा गांधी के कुछ स्कूल लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। हम इसमें पढ़े थे कि महात्मा गांधी जब 7 साल के थे, तब उनके पिताजी उनको राजकोट के सदस्य बनने के लिए पोरबंदर छोड़ आए थे, ठीक है। राजस्थानिक अदालत के सदस्य बनने के लिए उनको पोरबंदर छोड़ आए थे। तब वो प्राइमरी स्कूल में गए, वहाँ उनका दाखिला कराया गया। उसके बाद फिर वहाँ से शहर के स्कूल में गए, शहर के स्कूल से फिर वो हाई स्कूल, ठीक है, बड़े स्कूल में गए। वो बोलते हैं कि मेरे को कुछ भी ऐसा बात याद नहीं आता है कि मैंने अपने शिक्षकों से कभी झूठ बोला हो, ठीक है। और वे जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तब उनके कोई भी फ्रेंड, दोस्त, मित्र नहीं थे। वे केवल अपने किताबों को और अपने लेसन्स को ही अपने मित्र बनाए थे, ठीक है। और उनका यह डेली का आदत था, जब स्कूल का ठीक टाइम होता था स्कूल पहुंच जाते थे, और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो सीधे घर वापस आ जाते थे, ठीक है। और किसी से वे बात नहीं करते थे, उनको यह डर भी रहता था कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे, इसीलिए उसी डर से थोड़े संकोची स्वभाव के थे और वो डरते थे, और डर से वे किसी से बात नहीं करते थे, ठीक है। तो वो इसमें बताए हैं कि दो घटनाएं ऐसी हैं जो मेरे दिमाग से कभी भी नहीं जाती हैं, ठीक है। और उसी एक घटना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और वो एक घटना क्या है आपको आप पढ़ चुके हैं कि वे अपने पाठ्यक्रम के अलावा कोई भी दूसरी किताब नहीं पढ़ते थे, ठीक है। उनको दूसरा चीज़ पढ़ना पसंद नहीं था। वे तो अपने शिक्षकों के द्वारा दिए गए गृह कार्य को भी पूरा करना उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन शिक्षकों को धोखा देना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनको करना पड़ता था, ठीक है। उनको गृह कार्य करना पसंद नहीं था, उनके द्वारा गृह कार्य दिया जाता था, लेकिन नापसंद करते थे उसको, फिर भी उस कार्य को पूरा करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने शिक्षकों को धोखा नहीं देना चाहते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि उनके पिताजी के द्वारा खरीदी गई एक बुक रहती है जिसका नाम रहता है श्रवण पितृभक्ति नाटक, ठीक है। श्रवण की, उसके माता पिता के भक्ति भाव का उसमें उल्लेख किया गया रहता है। उस बुक पर महात्मा गांधी की नज़रें पड़ती हैं और फिर उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बड़े ही इंटरेस्ट से उस बुक को पढ़ते हैं, ठीक है। और उस बुक में पढ़ते पढ़ते एक ऐसा तस्वीर वहाँ आता है जहाँ पर श्रवण के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु के कारण जो श्रवण को दुख होता है, उस दुख को महात्मा गांधी आज तक भी मेरे दिमाग में एकदम ताज़ा है, ऐसे इसमें बताए हैं, ठीक है। मैं आज तक भी उसे नहीं भूला हूँ, ठीक है। और जो उनकी रोने की आवाज़, वो मेरे माइंड में ऐसा ताज़ा है जैसे कि मैंने अभी अभी उसे सुना हो। फिर क्या करते हैं, उस आवाज़ को, उस ट्यून को वो अपने कंसर्टीना में बजाते हैं जो उनके द्वारा, पिताजी के द्वारा खरीदी गई रहती है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ चुका था, लास्ट लाइन एक बार देख लीजिए। द मेल्टिंग ट्यून मूव्ड मी डीपली एंड आई प्लेड इट ऑन अ कंसर्टीना विच माई फादर हैड बाउट फॉर मी। पिघलाने वाली आवाज़ मेरे दिल में एकदम गहराई तक चली गई, मतलब मेरे दिल को छू गई। एंड आई प्लेड इट ऑन अ कंसर्टीना, और मैंने इसे अपने कंसर्टीना में बजाया। विच माई फादर हैड बाउट फॉर मी, जिसे मेरे पिता ने मेरे लिए खरीदा हुआ था, ठीक है। कंसर्टीना एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है।
यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, फिर आगे देखते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, एक बार आप पिछला वीडियो भी देख लेंगे। पिछला वीडियो आप एक बार पूरा देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को प्ले कीजिए, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विथ अनदर प्ले। जस्ट अबाउट दिस टाइम आई हैड secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company. This play, Harish Chandra, captured my heart. I could never be tired of seeing it, but how often should I be permitted to go? I haunted me and I must have acted Harish Chandra to myself several times. Why should not all be truthful like Harish Chandra? Was the question I asked myself day and night. To follow truth and to go through all the ordeals Harish Chandra went through was the one ideal which inspired in me. I literally believed in the story of Harish Chandra. The thought of it all too often made me weep. My common sense tells me today that Harish Chandra could not have been a historical character. But for me, both Harish Chandra and Shravan are living realities, and I am sure I should be touched as before if I were to read again those plays today. चलिए मीनिंग देखते हैं। There means वहाँ, was means था, similar means समान, उसी समान, incident means घटना, connected means जुड़ा हुआ, ठीक है? With another play, another means अन्य, play means नाटक, ठीक वैसे ही यहाँ एक घटना एक अन्य नाटक से जुड़ी हुई थी। ऊपर जो हम पढ़े श्रवण पीर्थ भक्ति, सेम वैसे ही एक घटना एक और दूसरे नाटक से जुड़ी हुई थी। देखते हैं क्या है। जस्ट अबाउट दिस टाइम आई हैड secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company. Just about this time, उसी समय I had secured means निश्चित होना या निश्चित कर लेना, my father's मेरे पिताजी की अनुमति टू सी देखने के लिए आ प्ले एक नाटक परफॉर्म प्रस्तुत करना बाय अ सर्टेन ड्रामेस्टिक कंपनी एक नाटक कंपनी के द्वारा, ठीक है? उसी समय एक नाटक कंपनी के द्वारा प्रस्तुत नाटक को देखने के लिए मैंने अपने पिताजी की अनुमति निश्चित कर ली थी। एक अन्य घटना है जो उसी घटना से जुड़ी हुई है, ठीक है? सेम उसी प्रकार है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैंने सेम उसी प्रकार से एक नाटक कंपनी के द्वारा दिखाए गए या प्रस्तुत करने वाले नाटक को देखने के लिए मैंने अपने पिताजी की अनुमति ले ली थी। दिस प्ले हरीश चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट। दिस प्ले या नाटक हरीश चंद्र, या नाटक कौन सा है? हरीश चंद्र। कैप्चर्ड घेर लेना, माई हार्ट मेरे हृदय को, यह नाटक जो हरीश चंद्र मेरे हृदय में घर कर लिया है, मतलब कि वो जैसे श्रवण पीर्थ भक्ति नाटक था जिसे मैं नहीं भूल पा रहा था, सेम वैसे ही हरीश चंद्र नाटक है, इसे भी मैं अपने दिल से नहीं निकाल सकता, ठीक है? आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट। नेवर मीन्स कभी नहीं, कुड मीन्स सका, टायर्ड मीन्स थकना। सीइंग इट इसे देखते हुए, मैं इसे देखते हुए कभी भी नहीं थकता था।
इस नाटक को देखते हुए मैं कभी भी नहीं थकता था। बट हाउ, लेकिन कैसे, ऑफन, अक्सर, प्राय, बार बार, शुड आई बी परमिटेड टू गो, लेकिन मैं बार बार जाने की अनुमति कैसे लेता। ठीक है, एक बार वो अपने पिताजी से नाटक को देखने के लिए परमिशन ले चुके और इतना अच्छा लगा उनको, इनके हृदय को छू गया वो नाटक, लेकिन बार बार जाने की अनुमति वे कैसे लेते। इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ सेवरल टाइम्स। इट मीन्स यह हॉन्टेड, हॉन्ट मीन्स सदा साथ रहना। ठीक है, सदा साथ रहना। मी, मेरे, एंड आई मस्ट हैव एक्टेड, एक्टेड मीन्स कार्य किया, हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन्स स्वयं, सेवरल टाइम्स, सेवरल मीन्स अनेक, टाइम्स मीन्स बार, अनेकों बार। यह सदा मुझ में मेरे साथ था, यह जो नाटक है वो सदा मेरे साथ था। एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ सेवरल टाइम्स, और अनेकों बार अपने आप में मैंने हरिश्चंद्र का अभिनय किया, और कई बार मैंने अपने आप में स्वयं में हरिश्चंद्र का अभिनय किया। देखो, आप लोग भी जब कुछ मूवी देखते हैं या टीवी में कुछ अच्छा शो देखते हैं, ठीक है, तब वो चीज़ आपको बहुत पसंद आता है, तब उसे या फिर उसके डायलॉग को आप बार बार मुंह से बोलते हैं या फिर उस एक्ट, उस कार्य को आप करके देखते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को भी वो हरिश्चंद्र का नाटक इतना अच्छा लगा था कि बार बार, कई टाइम, कई बार उन्होंने उस हरिश्चंद्र के नाटक को, हरिश्चंद्र को अपने आप में भी अभिनय करके देखे थे। ठीक है, वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र। वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों, नॉट मीन्स नहीं, ट्रूथफुल मीन्स सच्चे, लाइक हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के जैसे, सब कोई हरिश्चंद्र के जैसे सच्चे क्यों नहीं होते, वॉज द क्वेश्चन, प्रश्न था। आई आस्क्ड माइसेल्फ, मैं अपने आप से पूछता था, डे एंड नाइट, दिन और रात, यह जो उनके माइंड में यह सवाल था कि सब हरिश्चंद्र के जैसे सच्चे क्यों नहीं होते, यह प्रश्न उनके माइंड में दिन रात आते थे और वे स्वयं से पूछते रहते थे। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डियल्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वॉज द ऑन सॉरी वन आइडियल विच इंस्पायर्ड इन मी। टू फॉलो, फॉलो मीन्स अनुसरण करना, पालन करना, ट्रूथ सत्य का, एंड टू गो थ्रू ऑल ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स मीन्स कठिन परीक्षा या कठिन समय से गुजरना। ठीक है, हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वॉज वन आइडियल, आइडियल मीन्स आदर्स, विच इंस्पायर्ड, जो इंस्पायर्ड, प्रेरित किया इन मी, मुझे। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो कि टू फॉलो ट्रूथ, सच्चाई का पालन करना, सत्य का पालन करना, एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डियल्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडियल, और हरिश्चंद्र के जीवन में जो कठिन समस्या थी जिसे वे गुजरे, उनके समय में, उनके जीवन में जो कठिन समस्या आई जिससे उन्हें गुजरना पड़ा, विच इंस्पायर्ड इन मी, वे मुझे प्रेरित करते हैं। ठीक है, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। क्या बोल रहे हैं कि सत्य का पालन करना, आप लोग सुने होंगे हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। ठीक है, तो उस नाटक में, उनके द्वारा जो नाटक था, उस अभिनय को जब ये देखे तब बोल रहे हैं कि सत्य का पालन करना और उनके जीवन में जो समस्या आई उस समस्या से गुजरना, ये सभी मुझे इंस्पायर करती हैं, मुझे प्रेरित करती हैं। ठीक है, आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र,
लिटरली सचमुच बिलीव्ड विश्वास करता हूँ इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, मैं सचमुच हरिश्चंद्र की कहानी में विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है, ठीक है, मुझे हरिश्चंद्र की कहानी में विश्वास है, मैं सचमुच हरिश्चंद्र की कहानी में विश्वास करता हूँ। द थॉट ऑफ इट ऑल टू ऑफन मेड मी वीप, थॉट मीन्स होता है विचार या सोच, ठीक है, ऑफ इट इसके, ऑल टू, टू मीन्स भी, ऑफन अक्सर या प्राय, मेड बनाती है या करती है मी वीप, वीप मीन्स रोना। इस प्रकार के इस नाटक के सभी विचार अक्सर मुझे रुला देती है। इस नाटक के, इस हरिश्चंद्र नाटक के जो विचार हैं, थॉट हैं, अक्सर ये थॉट मुझे रुला देती हैं। माई कॉमन सेंस टेल्स मी टूडे दैट हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर। माई कॉमन सेंस, मेरी समझ, टेल्स कहती है मी, मुझे, टुडे आज, दैट कि हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन हिस्टोरिकल कैरेक्टर। हिस्टोरिकल कैरेक्टर, ऐतिहासिक चरित्र। मेरी समझ मुझसे कहती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं थे, ठीक है, मेरी समझ आज मुझसे कहती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं थे, बट फॉर मी, किंतु मेरे लिए, बॉथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण, हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों आर लिविंग रियलिटीज एंड लिविंग मीन्स जीवित, रियलिटीज मीन्स सच्चाई, लेकिन मेरे लिए दोनों ही, हरिश्चंद्र और श्रवण, एक जीवित सच्चाई हैं। And I am sure I should be touched as before if I were to read again those plays today. And I am sure, और मैं निश्चित हूँ, I should be touched, touched means छूना, as before, पहले जैसे, if, यदि, I were to read again, again means पुनः या दोबारा, those, वो plays today. यदि मैं उन नाटक को आज भी दोबारा पढूं, तो मैं निश्चित ही, मुझे वो नाटक मेरे दिल को छू जाएगा, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि मैं यदि उस नाटक को आज भी पढूं, तो वो नाटक पहले की तरह ही मेरे दिल को आज भी छू लेगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सबको। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता है, तो उस वीडियो को आप बार बार प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चंस हैं, नेम द टू प्लेस मेंशन्ड इन द इन दिस लेसन, मेंशन्ड मींस उल्लेखित, इस लेसन में, इस पाठ में दो प्लेस, दो नाटक का उल्लेख किया गया है, उनके नाम बताइए, कौन कौन से नाटक हैं, दो नाटक जो हम पढ़ चुके, उस नाटक का नाम क्या क्या है, ठीक है, आप लोगों को मालूम है, एक नाटक हम क्या पढ़े थे, श्रवण पित भक्ति, और एक हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वॉज इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड, दोराबजी इद्दुल जी जीमी वॉज द हेड मास्टर देन, ही वॉज पॉपुलर अमॉन्ग द बॉयज, दो ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन, ही वॉज अ मैन ऑफ मेथड एंड अ गुड टीचर, ही हैड मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड्स, आई डिसलाइक्ड बोथ, I never took part in any exercise, cricket or football, before they were made compulsory. My shyness was one of the reason for this aloofness, which I now see was wrong. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. Today I know that physical training should have as much place in the
क्यूरिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम वेन आई वॉज इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड। अनदर दूसरा, अन्य सच इंसिडेंट वैसा ही एक घटना, ड्यूरिंग के दौरान, टाइम उस समय के दौरान, व्हेन जब आई वॉज इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड जब मैं सातवीं क्लास में था। एक ठीक वैसे ही एक और घटना है, एक और कहानी है, जब मैं सातवीं में था। ठीक है, तो राबजी इद्दुल जी जिमी वॉज द हेड मास्टर देन। तब दोराबजी इतुल जी जिमी हेडमास्टर प्रधान अध्यापक थे। ही वॉज पॉपुलर अमॉन्ग द बॉयज, ही वॉज पॉपुलर वे लोकप्रिय थे, अमॉन्ग बीच में द बॉयज वे छात्रों के बीच में लोकप्रिय थे। दो, ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन मीन्स नियम का पालन करने वाले, वे अनुशासन प्रिय थे और अनुशासन का पालन करने वाले थे। ही वॉज अ मैन ऑफ मेथड एंड अ गुड टीचर, ही वॉज वह थे अ मैन ऑफ मेथड, मेथड मीन्स विधि तरीका, ठीक है, या तकनीक, वे तकनीकी व्यक्ति थे, एंड अ गुड टीचर और एक अच्छे अध्यापक थे। ही हैड मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड। जिम्नास्टिक व्यायाम, ठीक है, क्रिकेट आप सभी जानते हैं, कंपल्सरी अनिवार्य फॉर बॉयज लड़कों के लिए, ऑफ द अपर स्टैंडर्ड, अपर उच्च स्टैंडर्ड स्तर, ठीक है, उच्च स्तर के, उच्च कक्षाओं के लड़कों के लिए उन्होंने क्रिकेट और जिम्नास्टिक व्यायाम को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, आई डिसलाइक्ड बोथ, डिसलाइक मीन्स नापसंद, मुझे वे दोनों नापसंद थे, उनको ना तो जिम्नास्टिक अच्छा लगता था और ना ही क्रिकेट। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, नेवर मीन्स कभी नहीं, टुक मीन्स लिया, पार्ट मीन्स हिस्सा, एनी एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज व्यायाम, क्रिकेट या फिर क्रिकेट में और फुटबॉल या फुटबॉल में, बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी, जब तक कि वे शिक्षक जो दोराबजी दुलजी जिमी अनिवार्य नहीं कर दिए, उससे पहले मैंने कभी भी कोई भी एक्सरसाइज हो, क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल हो, इसमें मैंने कभी भी हिस्सा नहीं लिया, और जब अनिवार्य हो गया तब उनको मजबूरन उसमें हिस्सा लेना पड़ा। ठीक है, लेकिन उनको ये सब पसंद नहीं था, जब अनिवार्य नहीं था तब वे कभी भी एक्सरसाइज, क्रिकेट, फुटबॉल, खेलकूद में वे हिस्सा नहीं लेते थे। माई शाइनेस, मेरी संकोची स्वभाव या मेरी शर्मीलेपन, वॉज वन ऑफ द रीज़न, रीजन्स मीन्स कारण, फॉर दिस एलुफनेस, एलुफनेस मीन्स अलगाव या दूर रहना, विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, नाउ मीन्स अब, सी मीन्स देखना, वॉज रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत, इससे दूर रहने का एक कारण मेरा संकोची स्वभाव था, जो मुझे अब गलत दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब वे क्या कह रहे हैं कि मुझे अब यह गलत लगता है, और ये सभी खेल से मैं दूर रहता था, इसका एक कारण तो मेरा संकोची स्वभाव था। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि महात्मा गांधी कैसे थे, बहुत ही शाय थे। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। आई देन, तब मैं फॉल्स नोशन, फॉल्स मीन्स गलत, नोशन मीन्स धारणा, दैट मीन्स कि जिम्नास्टिक्स व्यायाम हैड नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, टू डू विथ एजुकेशन, एजुकेशन मीन शिक्षा, तब मुझ में एक गलत धारणा थी कि पढ़ाई से जिम्नास्टिक का कोई संबंध नहीं है।
ठीक है। तब उनके दिमाग में यह धारणा थी, ऐसे वो सोचते थे कि पढ़ाई से, एजुकेशन से जिम्नास्टिक का कोई भी संबंध नहीं है। टुडे आज आई नो दैट, मुझे पता है कि फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द क्यूरिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक प्रशिक्षण, प्लेस मीन्स स्थान, इन द क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम एज मेंटल ट्रेनिंग, मानसिक प्रशिक्षण। ठीक है, पहले उनमें एक गलत धारणा बन गई थी कि वे सोचते थे कि पढ़ाई से खेलकूद का कोई भी संबंध नहीं है, और अब आज आई नो दैट, आज मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक प्रशिक्षण, शुड हैव एज मच प्लेस इन द क्यूरिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। मुझे आज पता है, मैं जानता हूँ कि शारीरिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए जितना कि मानसिक प्रशिक्षण का है। ठीक है, पहले तो वो सोचते थे कि खेलकूद का पढ़ाई से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, और अब उनके मन में यह है कि फिजिकल ट्रेनिंग भी उतना ही जरूरी है जितना कि मेंटल ट्रेनिंग। ठीक है, और ये फिजिकल ट्रेनिंग भी हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। वाई इज स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन? वाई मीन्स क्यों? स्पोर्ट्स, खेल, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जरूरी, फॉर एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए खेल क्यों आवश्यक है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए खेल आवश्यक है। ठीक है, आप लोगों को भी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहिए। ठीक है, लेकिन खेलना जरूरी है कह के या नहीं कि सुबह से शाम तक बस खेलते रहें, उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना है, और थोड़ा सा शाम को और थोड़ा सुबह खेलना है। ठीक है, बट दो आई वॉज नन द रोज फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज, आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्टेड। आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट अनेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, बट आई रिटेन इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड। आई देन सॉ दैट बैड हैंडराइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशन। लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन अंडरस्टैंड दैट गुड हैंडराइटिंग इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। क्या कहा जा रहा है कि किंतु दो यद्यपि आई वॉज नन द रोज, रोज मीन्स गलत, फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज, नेग्लेक्टेड मीन्स नज़रअंदाज, अनदेखा करना, एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम, किंतु मैं सोचता हूँ मैंने व्यायाम को नज़रअंदाज करके कोई भी गलती नहीं की है। ठीक है, आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट, आई एम स्टिल, मैं अभी तक पेइंग चुका रहा हूँ पेनल्टी, सजा या दंड, ऑफ अनदर नेग्लेक्ट, मैं अभी तक एक दूसरी गलती की कीमत चुका रहा हूँ। अनदर मीन्स दूसरा, नेग्लेक्टेड मीन्स नज़रअंदाज, मैं अभी भी दूसरी गलती की कीमत चुका रहा हूँ। आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर, आई डू नॉट नो, मुझे पता नहीं था कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से, आई गॉट द नोशन दैट, गॉट मीन्स प्राप्त हुआ था, नोशन धारणा, मुझे पता नहीं है कि मुझ में यह धारणा कहाँ से आई थी, दैट कि गुड हैंड राइटिंग, अच्छी लिखावट, वॉज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। नेसेसरी मीन्स आवश्यक, पार्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक हिस्सा। मुझे पता नहीं है कि मुझ में यह धारणा कहाँ से आ गई थी कि अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग नहीं है। ठीक है,
उनमें यह सोच था कि अच्छा लिखना, गुड हैंड राइटिंग, शिक्षा का अंग नहीं है। बट लेकिन आई रिटेन्ड इट, रिटेन मीन्स बनाए रखा, इट इसे अनटिल, जब तक, आई वेंट टू इंग्लैंड, जब तक कि मैं इंग्लैंड नहीं गया मैंने इसे बनाए रखा। मतलब यह धारणा उनके मन में थी जब तक कि वे इंग्लैंड नहीं गए। आई देन सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। आई मैं देन तब सॉ देखा और फिर तब मैंने देखा दैट कि बैड हैंड राइटिंग खराब लिखावट शुड बी रिगार्डेड मीन्स मानी जाती है एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण, अधूरी, ठीक है। साइन मीन्स निशान या पहचान। और तब मैंने देखा कि खराब लिखावट एक अपूर्ण शिक्षा, अधूरी शिक्षा की पहचान मानी जाती है, ठीक है। पहले उनके मन में पता नहीं कहाँ से यह धारणा बन गई थी कि अच्छी हैंडराइटिंग शिक्षा की आवश्यक अंग नहीं है, मतलब शिक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप खराब लिखो फिर भी सही, अच्छा लिखो फिर भी सही, ऐसे सोचते थे। और इस सोच को वे बनाए रखे जब तक कि इंग्लैंड नहीं गए। और इंग्लैंड गए तब उन्हें यह पता चला कि खराब लिखावट को अधूरी शिक्षा का पहचान माना जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको भी हम हमेशा बोलते हैं कि अपनी राइटिंग सुधारिए, आप बहुत आगे चले जाएंगे, पढ़ लिख कर बहुत ऊंचे पद पर चले जाएंगे। लेकिन आपकी लिखावट यदि खराब है तो उसे अधूरी शिक्षा मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए अभी आपके पास मौका है, आप अपनी राइटिंग को बहुत अच्छे से सुधारिए। लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन अंडरस्टैंड दैट गुड हैंड राइटिंग इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। लेट, चलो एवरी यंग मैन, प्रत्येक युवा, युवती या युवतियों, अंडरस्टैंड, समझते हैं कि गुड हैंड राइटिंग, अच्छी लिखावट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि अच्छी लिखावट एक शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है, ठीक है। चलिए हम सब युवक और युवतियाँ यह समझ जाते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि अच्छी लिखावट शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है, ठीक है। हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। आपको इसी पेज से राइटिंग करनी है और फिर राइटिंग के बाद यहाँ देखिए 1, 2 ये दो क्वेश्चंस आप लोग कर लिए थे, आज करेंगे 3, 4 और 5। ये तीन क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करनी है, ठीक है। कॉपी में इसकी आंसर लिखेंगे और फिर सेंड करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।